अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम। मैं जा रहा हूँ पराडो लेने। आपको बताता हूँ पराडो पे कितना खर्चा हो चुका है। मैं इस पर प्रॉपर व्लॉग नहीं कर पाया। अच्छा जी, तो मैं निकल पड़ा हूँ जी और पराडो लेने। चार दिन हो गए पराडो टोयोटा शोरूम पे ही है। अच्छा, उसको मैं आपको बता दूँ काम क्या हुआ है। फ्रंट शॉक और उसके बुशेज वगैरह और फ्रंट जो जितना भी इसके अगले हिस्से का काम था, सस्पेंशन पूरा अगले वाला, वो करा के उसका 4x4 का ऑयल कूलेंट का एक पाइप फटा था। वो इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताता हूँ जा रहा हूँ उधर। और फिर दूसरा इसको मैं एस्टिमेटेड फिर साथ साथ मैं अप्रोक्सीमेटली टायर भी नहीं डलने। हालांकि मैं टायर रिसेंटली डलवाए कि नहीं, रिसेंटली चार तीन साल तो हो गया, पता नहीं वो खड़ी खड़ी एक्सपायर हो गए क्या हो गया। टायर भी चेंज करने हैं, कैम्बर उसके जो भी होते हैं वो अलाइनमेंट के और कंगी जिसको कहते हैं हम, उसके आगे जो एंड गोलियाँ जिसको कहते हैं वो, और वो डिटेल उधर ही है। फिर साथ साथ मैं मेंशन भी करता रहूँगा। मैं जा रहा हूँ फिलहाल शोरूम। और दूसरा एस्टिमेटेड मुझे पता ना उसके ऊपर पार्ट्स ही पार्ट्स 3 लाख रुपये का आया है और 3.5-4 लाख रुपया लग चुका है। हाँ जी, अब मैं जा रहा हूँ पराडो लेने। इसका ना सबसे पहले मसला ये आ रहा था, जब गाड़ी 120 से ऊपर जाते थे ना पराडो, तो उसका स्टेयरिंग वाइब्रेट करता था। और जब अच्छा एक जिस चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, आपको पता है 2011 मॉडल है और 16 की हमने खुद ही इंपोर्ट करवाई थी। खैर 12 साल पुरानी गाड़ी, अब कुछ चीज़ें तो एक्सपायर होती हैं, फिर टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती हैं। अच्छा, वो उन्होंने रेडिएटर के पाइप को हाल लगाया, पाइप टूट गया, वो नहीं अब पर 18,000। अच्छा 10,000 से कोई पार्ट्स कम नहीं है, 10,000 से लेके 75,000 तक पार्ट्स था। तो करा के वो सामान बना है इस तरह का। चलो यार, आपको मिलते हैं शोरूम। ये मैं शोरूम पहुंच गया हूँ। आड़ी कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। दो बुश उसमें होते हैं, दो इसमें होते हैं, ठीक है। चेंज हो गया बाल जॉइंट ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके शॉक, दो शॉक स्प्रिंग पुराने वाला ही स्प्रिंग से। अच्छा, इसका सेम वही ठीक हो गया। जेड लिंक चेंज हुई है ना। अच्छा, पहले जेड लिंक देखा आपने, इसकी अपने कलर की थी, अब ये जैसे देसी टाइप ये देखना, जैसे नहीं नहीं यही है। अच्छा यही है, वो भी यही होगी, वो उसमें वो लगा होगा, डस्ट लगा होगा। हाँ, वो मोबलेल वगैरह ना, वो शॉक ऑयल लगा होगा, वो ही कलर है, ठीक है ना। ये ठीक है। और इसका 4x4 का हो गया, फ्रंट डिफरेंशियल, रियर डिफरेंशियल 4x4। अच्छा, जब इसको करते थे ना H4H, तो ची 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 जैसे गेट टूट गया ना, ये 4x4 का ऑयल कम था। जब से ली हमने 16 में ली थी, तब से चेंज ही नहीं करवाया था हमने। नहीं, अभी चेंज हुआ है, अभी फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है, तीनों आज पानी की तरह निकला होगा, गंदे पड़े होंगे, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब टायरों का, टायर सही है इसके? टायर माजिद भाई, टायर अभी सही करवा, चेंज हो रहा है। चलो, शॉक, अच्छा पिछले शॉक ठीक है, ठीक है शॉक। सारा खर्चा हो गया, मैं कह घटाओ, बहुत हो गया वा, बहुत एक मेहरान जितना खर्चा हो गया।
खर्चा हो गया लेकिन गड्डी भी तो दोबारा तैयार नहीं हुई। इन्हें पूछ लो मैं इन्हें देखो बोली दे यार उसी नहीं बैठा जा रहा है। इन्हें कहने उन्हें इन्हें ना यूज़ काट कर बाहो क्या लोकल इन्हें यूज़ ना इन्हें करो जब तक पेट्रोल दे फके ते नो अच्छा यार साफ हो जाएगा। हाँ जी ये तो साफ हो जाएगा शेडा नहीं ना लगाने ऐसी तरह पहले पानी मर वाग ना नीचे हाँ फिर उसके बाद शेडा ठीक है। एंड गोली ये भी चेंज हो गई। अच्छा ये पूरा रोड ही चेंज हुआ है। नहीं नहीं पूरा रोड ही चेंज हुआ ये एंड और गोली ये गोली होती है ऐसा आगे कंगी आई है पता मेनू आ जड़े तुसी नवी आ नवी है ना। हां जी हां ठीक हो गया और टायर चेंज हुआ ऊपरों तीनों पुरियां चेंज हुई थी और बेल्ट सही थी बेल्ट दोबारे लाया कल बेहतर आगे चेंज करवा चलो जी सुनी लिया अपने सही हो गया। ये समान था सारा जो डला है भाई ने आपको ब्रीफ कर ही दिया है। ये समान था अब ये लग गया अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ उसको क्या करना है अभी सारी मैं वन बाय वन आप उन्हें डिटेल साइड पे ना शो करता रहूँगा। तो मुझे जीप तरह लोग देख रहे हैं वो वीडियो बना रहा है। अच्छा जी यार मैं वापस आ गया हूँ गाड़ी मैंने छोड़ दी इतनी गर्मी मैं कि मैं जा रहा हूँ मैं यार बस जल्दी गाड़ी करवा के ना टायर फिट करवा के गाड़ी लिया। खैर बिल मैंने सारे देख लिए हैं आपने बल्कि उस बंदे ने बेचारे ने डिटेल में बता भी दिया टोयोटा में जो था बंदा और ब्रीफली यही था वो मोटी मोटी चीज़ें थी महंगी महंगी थी सारी। तो और दूसरा ये था कि आज 45 डिग्री है भाई इतनी गर्मी है ना कि आपकी सोच है बस बहुत गर्मी है भाई। मैं बस जैसे थोड़ी सी वीडियो बनाई और मैंने उसको मैंने जाते थे ड्राइवर को कह दिया मैं क्या अच्छा यार जब वो अलाइनमेंट करेंगे तो उसके एक मिनट का क्लिप बना ली। खैर उसके ना बेचारे का मोबाइल थोड़ा सा एंड्रॉयड है उसका कैमरा सही है और मैं क्या जब उन्होंने टेस्ट ड्राइव लेनी फिर वीडियो बना ली। मैं निकलूँ मैं घर आ गया हूँ तो ये टी करी यार। तो भाई गाड़ियाँ लेना बड़ा आसान है संभालना बहुत मुश्किल है। अब मैं समझा रहा था मैं क्या यार लोकल पे इसको बहुत कम यूज़ किया करूँ प्राडो को है बहुत गर्मी है मैं तो जाके अब नहाऊँगा। ओके जी ओके जी और जब इंशाल्लाह गाड़ी प्राडो आएगी छोटा सा ब्लॉग मैं शूट कर लूँ। ओके जी अल्लाह हाफिज़ बाय। Three hours later. गाड़ी आ चुकी है प्राडो और काफ़ी खर्चा करवा के आई है और शर्ट वैसे मैंने चेंज कर ली क्योंकि मैं ये दो तीन घंटे बाद वीडियो बना रहा हूँ शर्टों को छोड़े और इसका जो जो चेंज करवाना मैं बताता हूँ। अच्छा आया मैं आपको बताता हूँ इसका बेल्ट का भी इशू था और बेल्ट भी एक मिनट रुके आपको बताता हूँ। यार किसी दिन जब ये गाड़ी ली थी ना मैंने ना इतना इसको संभालना ना बस अब तो वो बात ही नहीं रही यार संभालनी अब तो बेचारी मेरा ध्यान नहीं रहता। ये बहुत लोकल चलती है गाड़ी जैसे। अच्छा जी इसके ये भी शो ख़राब हो चुके हैं कि तो इसको भी चेंज करो। पीछे जो डिग्गी वाला शौक है वो भी 38,000 रुपये का वो है। अच्छा इसमें इसके नीचे है वो पाइप ने क्या जो भी है हाँ सॉरी जो मैं दिखाने लगा था ये बेल्ट ख़राब है बेल्ट भी इसका 14,000 रुपये का है। इस साथ में इसको पुली के जो वो है वो पुली के जो एडजस्टर थे वो डलवाए वो भी 38,000 रुपये के दो डले हैं। सारा बिल मैं आपको साथ मेंशन भी करता रहूँगा साथ साथ। और आपको इसके भी थोड़े दुख से आ देता हूँ इसके भी ये कहाँ कहाँ से लगी है एक तो ये देखें पीछे से फोकी है और ये देखें आई नगर और बस वही था वो छोटा सा जी। अब बेचारी क्या साली वो पैसा लगवा के ये हमारा हम निकलते हैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर तक अब निकलता हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ जी प्राडो में। मैंने ड्राइव की है क्योंकि पूरा सस्पेंशन हमने इसका चेंज कर दिया है, आगे से जितने भी इसके बुशेज हो गए, जेड लिंक्स हो गई और शॉक हो गए, और जितना भी सस्पेंशन का आगे था 4x4 का ऑयल था वो चेंज करवाया, कभी चेंज ही नहीं हुआ था वो चेक करवाया, और फ्रंट जो जहाँ पे कंघी होती है उसका जो उसके अंदर भी एक ऑयल होता वो चेंज किया, रियर सस्पेंशन का ऑयल होता वो चेंज किया, ऑल ओवर सारा कुछ चेंज किया। टोटल मेरा पार्ट्स जो है वो 2,15,000 रुपये का पार्ट्स आया इसके जो सस्पेंशन के, और अप्रोक्सीमेटली अगर इसके टायर भी अगर चेंज कर दिए ना तो टायर्स डाल के ये खर्चा कोई 3.5 लाख रुपया, 3 से 4 लाख, हाँ 4 लाख रुपया आ चुका है अब तक। तो अभी मैंने ड्राइव करूँ क्या स्मूथ ड्राइव है पता ही नहीं लगता कि मतलब पहले ना क्योंकि जब नई ली थी तब पता नहीं लगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ख़राब होती गई तो नीचे से सस्पेंशन कुछ तो बुशेज ऐसे थे जो जेड लिंक्स जिन्होंने आपस में कनेक्ट किया था, जो एंड गोलियाँ होती हैं वो टूटी हुई थी अंदर से, बुशेज वगैरह ना क्रैक्स हुए थे। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ जैसे स्टेयरिंग को पता ही नहीं है कि गाड़ी ड्राइव हो रही है नीचे से, जैसे हम कमरे में बैठे हुए। अच्छा अब ये देखें यार, अच्छा ये देखें, और गाड़ी की ड्राइव बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, पहले 80 से ऊपर जाती थी तो स्टेयरिंग ऐसे ऐसे करता था, अब तो गाड़ी को पता ही नहीं है कि गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, स्टेयरिंग बिल्कुल स्मूथ है। अब जो मेन है इसका वो टायर है, और इंशाल्लाह वो टायर डलवाएंगे, और ब्रेक पैड्स ओके हो गए हैं, और थ्रोटल बॉडी साफ़ कर दी है, अब तो बहुत स्मूथ हो चुकी है गाड़ी। रश चेक करें कितना है, रश को ज़्यादा ही हो चुका है रश। यार ये छोटा सा ब्लॉग था, मैं कहा यार इसे रिलेटेड मैं आपको ये सेंड कर दूँ इन्फॉर्मेशन कि इसको संभालना कितना मुश्किल है। खैर हमने यार देखे इसको 6 साल तो भी चलाया ना, इतने पैसे लगने इसका हक बनता था। ओके जी अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले मैं आपको चेक कर रहा था जहाँ पे हम ये गाड़ी वायरल हुई थी वही जगह पे हम आ चुके हैं जी, चेक करें। ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था, यहाँ से वो कुछ लोग थे चावल से जिन्होंने पीछे से वीडियो बनाई, और मैं जा रहा था पहले तो मैंने वो जो पिछली यहाँ से कट कराया, वो जो पीछे कट कराया, फिर यहाँ से सीधा होके मैं गया इधर, और फिर मैं उस साइड पे चला गया था इसी गाड़ी पे। ओके जी अल्लाह हाफिज़।